101% नहीं, मैं वर्ल्ड के हर साइंटिस्ट को चैलेंज करता हूँ, 1000% साइंस थी, साइंस है, साइंस रहेगी। यदि किसी को बहस करनी हो तो मैं तैयार हूँ। आप हैं राजस्थान के कारोई यानी ज्योतिष नगरी के ज्योतिषाचार्य पंडित गोपाल उपाध्याय। इनके आत्मविश्वास का कारण है भारत का सदियों पुराना शास्त्र, जो इस छोटे से गांव की पहचान भी है। यहाँ भृगु संहिता से भविष्य बांचा जाता है, अपने कस्टमर का भूत और वर्तमान भी अक्सरस जाहिर करते हैं, दावे के पीछे तर्क भी देते हैं, वो भी साइंटिफिक। इसमें ज्योतिष तीनों पॉइंट पे होती है, गणित से भी होती है, शकुन शास्त्र से होती है, और ज्योतिष मेडिटेशन और आध्यात्म को कनेक्ट करके भी होती है। जहां विज्ञान से परे जाया जाता, सूक्ष्म में से सूक्ष्म बिंदु को चेक किया जाता है, जहां विज्ञान एंड कर देती है, इस पॉइंट से आगे नहीं जाया जा सकता है, उस पॉइंट के बाद आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में जाके पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेशन करके डेल्टा घामा को एक पॉइंट पे लेके उसके बाद यात्रा की जाती है लंबी दूरी की, जिसको आध्यात्म कहते हैं। और उसके बाद जब आपका ध्यान केंद्र बिंदु पे आ जाता है, ध्यान एक पॉइंट पे होता है, उस समय आप दुनिया के किसी भी प्रश्न को सहजता के साथ बिना आँखें खोले केवल श्रवणेंद्रियों से सुन करके जवाब दिया जा सकता है, और वो 100% क्लियर होता है, सत्य होता है, जब आप अपने ध्यान को अपने एकाग्र चित्त में रख सकते हैं। दरअसल पंडित गोपाल उस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं जो इन्हें विरासत में मिला है। इनके बड़े भी विज्ञान की ही भाषा बोलते हैं, मानते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति का कारक ज्योतिष ही है। जैसे एक पंचांग से आज जो निकलता 100 साल पहले लिख देता है कि अमावस्या को इतनी तारीख को ग्रह सूर्य ग्रहण होगा, पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण इतने मिनट में होगा, इतने बजे स्पर्श होगा, इतने बजे उसका पूर्ण काल होगा। तो वो चीज़ 400 साल पहले लिख दिया, वो खगोल शास्त्र ज्योतिष ही है, उससे विज्ञान बना है, विज्ञान से ज्योतिष नहीं बना, ज्योतिष से विज्ञान बना। बहरहाल भृगु संहिता में जिन्हें आस्था है वो भी मानते हैं कि अंधविश्वास के चलते नहीं बल्कि हजारों वर्ष पुरानी तार्किक गणना के आधार पर ही वो इनके पास भविष्य जानने आते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान है और ज्योतिष के आधार पर ही हिंदुस्तान में तो हजारों वर्ष पहले सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण की जो घोषणाएं होती थी नासा से पहले, वो ज्योतिष से ही बताए जाते थे। भीलवाड़ा जिले से गुजरने वाले भीलवाड़ा राजसमंद राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कारोई गांव ज्योतिष नगरी के नाम से देश ही नहीं अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध है, जहां काफी संख्या में उद्योगपति, आमजन व राजनेता अपना भविष्य जानने पहुँचते हैं। ज्योतिष नगरी में काफ़ी संख्या में ज्योतिषी भृगु संहिता से ज्योतिष की गणना करते हैं, जहां ज्योतिषियों का मानना है कि ज्योतिष एक विज्ञान है जिसकी गणित के आधार पर ही गणना की जाती है। गणित के आधार पर गणना करने से ही भविष्यवाणी सही और सटीक साबित होती है। सोमदत्त त्रिपाठी, ETV भारत, भीलवाड़ा।